ये गर्मा गर्म नाश्ते बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मुलायम करारे बने हैं। इस तरह से हमने इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है, वो भी दो प्याज से। तो चलिए बनाते हैं। आज मैं आपके साथ प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ हम प्याज लिए हैं, जिसे इस तरह से बारीक काट लिए हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हमने लिए हैं, ये चाट मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये चुटकी भर हींग है, ये मंगरेला है, और ये है नमक, और ये धनिया पत्ता। इन सारे मसाले को प्याज में डाल देंगे। और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। आधा कटोरी सूजी लिए हैं, इसे भी मिला देंगे। और यहाँ हम लिए हैं एक कटोरी गेहूं का आटा, इसे भी इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे दही। तो यहाँ हम फ्रेश ताज़ी दही लिए हैं। और अब इन सबको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हम मिला लेंगे इसे। आटा में सारे मसाले और प्याज को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी और पराठा बनाते हैं वैसा ही डो चाहिए हमें। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें डो बनाना है जैसे हम रोटी और पराठा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी से हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आटा हम देख लेते हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अभी से हम इस तरह से छोटा सा आटा का लोइया लेंगे और इस तरह से इसे हाथों पे इस तरह से पेड़ा जैसा बनाएंगे। अब यहाँ हम चकले पे इसे इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से हम लगा लेंगे। और अब इसे हम बेल लेते हैं, बिल्कुल जैसे हम रोटी पराठा बनाते हैं उस तरह से। इसे इस तरह से हमने बेल लिया है। और अब इसे हम तवे पे डाल देंगे, दोनों तरफ से अलट पलट कर पकाएंगे। तो अभी थोड़ा देर इसी में रहने देते हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं दूसरे तरफ। और अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप इस तरह से बनाकर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और इसे इसके दूसरे तरफ फिर पलट देंगे और इधर भी ऑयल लगा लेंगे। और दोनों तरफ से हम अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ अलट पलट कर हम इसे सेक लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह से दोनों तरफ एकदम सुनहरा होने तक इसे सेक लें। और ये देखिए, ये हमारा प्याज का कितना अच्छा नाश्ता बना है, एकदम करारा। आप इसे गर्मा गर्म शाम के चाय के टाइम भी ले सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इसे बनाकर कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं।